और मौसमी देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए हथौड़े चल रहे हैं वहां पर पाली हिल के इस दफ्तर में, लेकिन इसकी चोट कंगना रनौत को दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में जहां एयरपोर्ट में वीआईपी लाउंज में वो बैठी हैं, वहां तक तस्वीरें वहां से ट्वीट हो रही हैं कंगना के प्रोफाइल से लगातार, और वो ये कह रही हैं कि बाबर आया है। महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से कर रही है वो। जी बिल्कुल, कंगना रनौत और बीएमसी के बीच, महाराष्ट्र सरकार के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है मीनाक्षी। यहाँ पे आप देखिए बुलडोजर से लेके हथौड़े से बीएमसी यहाँ पे कंगना रनौत के दफ्तर, जो कि मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर है, वहाँ पे तोड़फोड़ उसने शुरू कर दी है और उस पर पैनी नजर बनाई हुई है कंगना रनौत, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बैठी हुई है, लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। लगातार जो घमासान है कहीं भी, वो जो है हर एक वार पर काउंटर अटैक कर रही है। कुल मिला के अगर आप देखिए तो लगातार जिस तरह से पिछले 3 दिन से ये गहमा गहमी बनी हुई थी, जब से कंगना ने पीओके वाला बयान दिया था, उसके बाद बीएमसी का नोटिस आया, उन्होंने अपने वकील के जरिए उस पर क्या स्टे डलवाने की कोशिश की, और बीएमसी ने यहाँ पे नोटिस लगा दिया था। कल भी कंगना ने ट्वीट किया था कि यहाँ पे बीएमसी ने आके नोटिस लगा दिया कि आप अपने लीकेज फिक्स कीजिए, शायद वो डर गए हैं, शायद आपके जनता के प्यार ने और लोगों के प्यार ने उनको रोक दिया, पर ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे बीएमसी टाइम पर आके अपनी तोड़ फोड़ में जुट गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर, जरा परमिंदर पूरा पैन करके दिखाइए, ये पॉश पाली हिल का इलाका है, यहाँ पे हर एक न्यू कमर जो आता है संघर्ष करता है, उसका सपना होता है, ड्रीम सपना। कंगना ने भी पूरा, जब ये पाली हिल में इस ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था तो उन्होंने कहा था ये मेरा सपना था, 15 साल की मेहनत से मैंने इस सपने को सजोया था, और मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर यहाँ पे हो, मैंने हमेशा ये सोचा था कि इस तरह का ऑफिस मेरा हो। खासतौर से उन्होंने खुद पर्सनली इस ऑफिस को डिज़ाइन किया था, प्लास्टिक फ्री है, जो इंटीरियर्स है वो बहुत ही 1920s के मूड और स्टाइल और थीम के अनुसार है, जो कलर्स यूज किए गए थे, उन्होंने पूरा एक वीडियो भी डाला था अपने पूरे इंटीरियर्स का। तो कुल मिला के कंगना रनौत को संदेश देने की कोशिश कि बैकफुट पे महाराष्ट्र सरकार भी नहीं है, एड़ी चोटी का जोर लगातार लगा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि कंगना को अगर महाराष्ट्र की मुंबई में रहना है तो वो इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकती। वहीं कंगना भी महाराष्ट्र कार्ड अब खेलने लगी हैं कि महाराष्ट्र के लिए वो अपना रक्त भी दे सकती हैं, अपनी कुर्बानी भी दे सकती हैं, और क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था इसलिए वो महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि है, और इसलिए वो हर हाल में महाराष्ट्र जाएंगी, मुंबई आएंगी। और उन्होंने ये भी ट्वीट पे सीधे चैलेंज कर दिया कि अगर आपको तोड़ना है मेरा दफ्तर तो तोड़ लीजिए। कुल मिला के आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे किस तरह की तस्वीर है। पुलिस कर्मी लगातार तैनात है गेट पर, पीछे आप देखिए तो यही वो दफ्तर है, 3 मंजिला दफ्तर आपको नजर आ रहा है, काफी डिफरेंट है, मैंने बोला था आपको 1920s के स्टाइल में बना है, इंटीरियर्स पे काफी खर्च करा था कंगना ने, और यहाँ पे अभी बुलडोजर कुछ देरी के लिए रोक दिया गया है, लीकेज से लेके तमाम चीजों पर पड़ताल की थी बीएमसी के कर्मचारियों ने, और बीएमसी ने नोटिस थमाया था, उसके बाद जब उनके वकील ने जवाब दिया तो उस पर कैवियट लगा दिया, और कंगना ने उसको ट्वीट करके भी कहा था कि लगता है बीएमसी मेरा दफ्तर तोड़ने पर उतारू है। और दूसरी तरफ कंगना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जो रार है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है।